जब से हमारी शादी भाई 20 साल हो गए हैं, हम तब से नदी को पानी पी, गड्ढन को गैया भैंसियाँ जाती हूँ, आदमी लेटरिंग करो में गैया भैंसियाँ करती हूँ, पानी हमारे पी आए बुढ़े भी हो गए हैं, 60-80 साल के हो गए हैं, तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, भैंस गाय का कहाँ को पानी पीते हैं? नदी का क्या चाहते हैं, पानी चाहते हैं हम लोग, कोई नहीं सुनता है। पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे लोग, नदी के किनारे गड्ढे खोदकर गड्ढों से पानी निकालकर पीने को मजबूर बाजार मोहल्ला हरिजन बस्ती के लोग, नदी का पानी भी सूखने की कगार पर, जनता त्रस्त अधिकारी मस्त। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, वर्षों से कई सरकारें आती रहीं एवं जाती रहीं, लेकिन मुड़वारी के बाजार मोहल्ला हरिजन बस्ती में पानी की समस्या जस की तस बनी रही। यहाँ की रहवासी घर घर शुद्ध पानी पहुँचाने का दावा कर रही है, तो वहीं इस मुड़वारी ग्राम में रहवासी नदी के किनारे गड्ढे खोदकर पानी पीने को मजबूर हैं, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए काफी है और जमीनी हकीकत बयां कर रही है। यह तस्वीरें कहने को तो गांव में पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन उस पानी की टंकी से सप्लाई होने वाला पानी एक सप्ताह में एक दिन जनता को प्राप्त हो पाता है, वहीं ग्राम की आधी आबादी को टंकी का पानी नहीं मिल पाता है, जिस वजह से यह समस्या ग्रीष्म काल में और अधिक बढ़ जाती है। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, लोग अपने पीने के पानी के जुगाड़ के लिए 2-3 किलोमीटर दूर निजी बोरों से पानी का जुगाड़ करते एवं लाते हुए लंबी लाइन देखी जाती है। कहे सुनो आए थे पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, क्या कहूँ, कौन ना सरपंच से कैटरी या विधायक मंत्री से आ तो रहा था, लोग यहाँ पंचायत में कब से आपके यहाँ समस्या? समस्या जब से हमारी शादी भाई 20 साल हो गए हैं, हम तब से नदी को पानी पी, गड्ढन को गैया भैंसियाँ जाती हूँ, आदमी लेटरिंग करो में गैया भैंसियाँ करती हूँ, पानी हमारे पी। आपने आज तक कहीं और सुनवाई सुनाया है किस समस्या? यहीं पकारी पंचायत में जिला अध्यक्ष आए थे, उनको लिए हमने आवेदन दी, तो वो आवेदन मतलब दूसरे मोहल्ला के लाना होगा, सही तो हमारे वही पानी पी रहे। क्या चाहती हैं आप लोग? पानी की व्यवस्था चाहिए थी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहनों का पानी भर भर के बुरा हाल है। इस समस्या को लेकर ग्राम के 50 पुरुष और महिलाओं ने इकट्ठा होकर ग्राम पंचायत भवन पहुंचकर वर्तमान सरपंच अरविंद दहायत को एक लिखित आवेदन देकर पानी की समस्या को हल करने के लिए निवेदन किया। वहीं लोगों द्वारा कहा गया कि शुभ नाम अरविंद दहायत, सरपंच ग्राम पंचायत मुड़वारी। देखना यह होगा कि लोगों की समस्या का हल आखिरकार कब तक हो पाता है, या फिर से यूं ही बड़े बड़े दावे और बातें कहकर छोड़ दिया जाता है। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग, बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।